सहर थाना क्षेत्र के बारह लोटा कोयरी टोला निवासी उपेंद्र मेहता की पत्नी सुषमा देवी पर उसके भसुर श्री कुमार मेहता, गोतनी आशा देवी समेत आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया। पुश्तैनी जमीन को लेकर उपेंद्र मेहता और श्री कुमार मेहता के बीच विवाद है। इसी कारण श्री कुमार मेहता एवं अन्य लोग उपेंद्र मेहता के साथ मारपीट कर रहे थे। इसकी जानकारी जब उसकी पत्नी सुषमा देवी को हुई तो वह बीच बचाव के लिए मौके पर पहुंची। पति को जब बचाने लगी तो उसके भासुर गोतनी के अलावा अमर कुमार मेहता एवं रेणु कुमारी व अज्ञात 6-7 लोगों ने सुषमा देवी के लाठी एवं टांगी से वार किया, जिससे उसका सिर बुरी तरह जख्मी हो गया। मारपीट के क्रम में भासुर द्वारा गला दबाने का प्रयास किया गया और सोने का चैन लूट लिया गया। MMRCH में इलाज के दौरान सुषमा के सिर में 16 टांके लगाए गए। बाद में उसके बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुषमा के पति ने बुधवार को घटना की पूरी जानकारी देते हुए जिले के SP से कार्रवाई की गुहार लगाई है। किराना दुकान से सामान लेकर आ रहा था रात्रि के 9:30 बजे के लगभग। उसी समय शिव कुमार मेहता, उसकी पत्नी आशा देवी, उसका लड़का अमर कुमार मेहता एवं उसकी लड़की रेणु कुमारी ने मुझ पर हमला कर दिया और साथ में अज्ञात लोग थे जो कि मुझे मारने लगे, तो मैं चिल्लाया। उसी बीच मेरी पत्नी दौड़ी, दौड़ने के बाद आई तो सुकुमार मेहता ने बोला कि ताली को मार दो जान से। उसी बीच टांगी और धारदार हथियार से हमला किया, मेरी वाइफ का माथा फट गया। उसी बीच आनंद फट गया, मुझे सोना का चैन पहनी हुई थी मेरी पत्नी, वो भी लूट ली मौका दबा। उसके बाद मैं आनंद खान में सदर अस्पताल गया, वहाँ पर इलाज करवाया।